क्षेत्र सराय लखनसी में 25/26 के रात में एक घटना हुई थी, जिसमें एक वृद्ध महिला जिसका बेटा भदोही जेल में सिपाही है, वो अकेले रहती थी, उसकी हत्या हुई और इसके संबंध में परिवारजनों ने आशंका लगाई थी कि कोई चोरी किया है और उनकी हत्या कर दी। उसमें मुकदमा दर्ज किया गया था और दो टीमों को लगाया गया था, इसमें सफलता प्राप्त हुई और इसमें अपराधी को पकड़ा गया। जैसे कि पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे, ये अपराधी जो है ये परिवार को जानने वाला है, उनका क्लोज है, वहाँ पे काम करता था, उनके छोटे मोटे काम घर में आता जाता रहता था। इसका नाम प्रदीप है, ये एक नौकर की तरह उनके घर में आते जाते काम करता था। इसने जो है पिछले 6 से 7 महीनों में जो मृतका है उनको इस झांसे में लिया था कि उनका जो लड़का और बहू के साथ में जो विवाद चल रहा है और बार बार जो झगड़े होते हैं, बहू का जो इलाज भी चल रहा है, इस सब का हल जो है वो तंत्र मंत्र से करा सकता है और उसके लिए उसको गहनों को देने की ज़रूरत है जो उसको बाद में लौटा दिए जाएंगे। महिला ने विश्वास करते हुए, क्योंकि घर में आना जाना रहता था, उसको ये गहने दे दिए थे और ये बताया था कि उसको दे करके वो बाद में लौटा देगा, परंतु इसने 6 महीने से वो गहने नहीं लौटाए। उसको अपने स्वार्थ के लिए उसको गिरवी रख के उसका पैसा इस्तेमाल किया। जब महिला को ये पता चला कि अब लड़का आने वाला है, तो पिछले लगभग 15-20 दिनों से महिला द्वारा उससे मांगा जा रहा था बार बार कि जो गहने तुम तंत्र मंत्र के नाम से मेरे से लेके गए हो तो वो वापस दे दो, क्योंकि अब बहू और बेटा आएंगे तो उनको ये दिखाने होंगे, वो भी इस बात को जानेंगे। तो ये बात जानने के बाद में इस व्यक्ति ने ये प्लानिंग बनाई है कि रात में हम एक तंत्र मंत्र करेंगे, उसके बाद में ये गहने आपको सब मिल जाएंगे। इस तरीके की करके वो रात में बात करके उस महिला से घर में घुसा है और उन्होंने ये प्लान बनाया कि महिला को मार देगा और फिर गहने कोई ने किसी ने चोरी किए ये आरोप पुलिस को बता देगा। परंतु गहनता से पूछताछ करने के बाद ये चीज़ें उजागर हुई कि इसी के द्वारा वो गहने पिछले 6 महीनों में समय समय पर एक एक करके लेके गया था और वो वापस न देने पड़े और बेटे को ये चीज़ ना पता चले, इसलिए उसने महिला की हत्या की और घर का सामान यहाँ वहाँ फेंक दिया ताकि ये बात लगे कि कोई चोर अज्ञात में आकर के इस घटना को किया है। ये व्यक्ति गिरफ्तार किया है और इसके द्वारा जो भी पिछले महीनों में जो सामान महिला से बात करके या महिला घुसला के लेकर के गया था वो सब भी पुलिस ने बरामद किया है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, ये व्यक्ति कहाँ पकड़ा गया? ये वही का रहने वाला है। इसमें चेकिंग के दौरान ही सलाहाबाद मोड़ के पास में ही पकड़ा गया है। इससे फिर गहनता से पूछताछ की है, हर चीज़ पूछी गई, उसने चीज़ें एक्सेप्ट भी की और उसके पूछताछ के बाद ही जो गहने वो लेके गया था पिछले 6 महीनों के साथ में वो बरामद किया। सर, कितने लोगों ने मिलकर किया? एक ही व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है जो घर में आता जाता